नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस को लोस्ट वेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को सबसे पहले 4000 से 3000 BC पीरियड के दौरान प्रयोग किया गया था। इस कास्टिंग प्रोसेस को मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे गियर हैं, कैम्स हैं, वाल्व्स इत्यादि। इस प्रोसेस की मदद से 1.5 मीटर डायमीटर के पार्ट और अधिकतम 1140 किलोग्राम वजन के पार्ट को आसानी से बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हैं और वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इंजेक्टिंग वैक्स और प्लास्टिक पैटर्न। एक पैटर्न को तैयार किया जाता है। पैटर्न बेसिकली एक रेप्लिका ऑफ कास्टिंग होता है। पैटर्न को तैयार करने के लिए एक सेमी सॉलिड या लिक्विड वैक्स या फिर प्लास्टिक को मेटल जो कास्टिंग है इसमें इंजेक्ट करते हैं, जिसमें मोल्ड में क्या होगा, पैटर्न की शेप ऑलरेडी बनी होती है। और दूसरे स्टेप में जो पैटर्न हमारा तैयार होगा उसको हम इंजेक्टिंग पैटर्न उसको बाहर निकाल लेते हैं। और यह बाहर निकालने के बाद हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो पैटर्न है वह डायमेंशनली और प्रिसाइजली जो हमें कास्टिंग चाहिए उसके अनुसार ही उसकी सारी डायमेंशन हो। अगले स्टेप में क्या करते हैं, पैटर्न असेंबली को तैयार किया जाता है। जो वैक्स पैटर्न हमारे पास है उसको एक स्प्रू पे असेंबल किया जाता है। एक से ज़्यादा पैटर्न यूज़ करने का कारण यह है कि ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। अगले स्टेप में क्या करते हैं, सलरी कोटिंग करते हैं। सलरी कोटिंग में क्या है, जो पैटर्न असेंबली हमारे पास तीसरे स्टेप में हमने तैयार की थी जिसको पूरे कंप्लीट को ट्री कहते हैं, उस कंप्लीट ट्री को उल्टा करके डिप किया जाता है सलरी कोटिंग करने के लिए। और ये जो सलरी है ये रिफ्रैक्ट्री मटेरियल्स की बनी होती है, वो हो सकते हैं फाइन सिलिका हो सकता है, बिंडर्स हो सकते हैं, एथाइल सिलिकेट हो सकता है या फिर एसिड इत्यादि हो सकते हैं। और यह कोटिंग हम 2-3 बार करते हैं। जब पहली कोटिंग हमारी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, फिर से हम कोटिंग करते हैं, क्योंकि कोटिंग को 2-3 बार करने से यह होगा उसकी जो थिकनेस है, जो लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। और फाइनली हम फिर क्या करते हैं, स्टूको कोटिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न असेंबली की जो कोटिंग थी उसके ऊपर स्टूको को कोट किया जाता है ताकि हमें हार्ड सेल मिल सके। और जो वैक्स पैटर्न हमारे बने होते हैं उसको बड़ी केयरफुली से हैंडल करना होता है ताकि कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। तो इस स्टेप के बाद हमें कंप्लीटेड मोल्ड मिलता है। तो कंप्लीटेड मोल्ड से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के बाद पैटर्न को मेल्ट आउट करना होता है। और पैटर्न को मेल्ट आउट करने के लिए जो कंप्लीटेड मोल्ड है इसको हवा में ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो हमारे पास डी वैक्सिंग और फायरिंग की प्रोसेस होती है वो इस स्टेप में होगी। और कंप्लीट मोल्ड को 343 से 448 केल्विन टेम्परेचर के बीच में गर्म करते हैं और यह तकरीबन 4 घंटों तक इसको गर्म करते हैं। जो टाइम वो डिपेंड करता है मेटल पर जिसे हमें कास्ट करना है। उसके बाद क्या होगा कि टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो पैटर्न का मटेरियल था वो मेल्ट हो जाएगा। पैटर्न का मटेरियल प्लास्टिक हो सकता है, वैक्स हो सकता है, और वो मेल्ट होने के बाद वो बाहर चला जाएगा। और इस प्रोसेस में हमें एक होलो मोल्ड मिलेगा। और जो होलो मोल्ड है उसको स्टेप नंबर 8 में क्या करेंगे, पोरिंग करेंगे। पोरिंग करने का मतलब है किसी मोल्टन मेटल को होलो मोल्ड के अंदर पोर करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। और जो मोल्टन मेटल है इसका टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इस पिघले हुए धातु को होलो मोल्ड में डालने के बाद इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि हमें सॉलिड या ठोस जो हमारा जो सॉलिडिफिकेशन हो सके। अगले स्टेप में इसको सेकआउट या नॉकआउट करेंगे। इस स्टेप में क्या करते हैं, जो सिरामिक से हमारा मोल्ड बना है उसको तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने के बाद हमें क्या है कि फाइनल जो कास्टिंग है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और हम देखते हैं कि जो कास्टिंग है हमारी बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसा हमारा पैटर्न था। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा कास्टिंग का, कि कास्टिंग की फिनिशिंग की जाती है, जिसमें एक्स्ट्रा मेटल को कास्टिंग से अलग किया जाता है। और कास्टिंग फिनिशिंग के बाद कास्टिंग को टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि जो फाइनल कास्टिंग है उसकी जो डायमेंशंस हैं, टॉलरेंस और स्पेसिफिकेशन है हमारी ज़रूरत के अनुसार वैसी ही बनी हो। और इस स्टेप के बाद कास्टिंग को पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है और पैकिंग के बाद कस्टमर को इसको भेज दिया जाता है।
और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए प्रयोग किया जाती है फेरस, नॉन फेरस और उनके अलॉय से, और यह प्रोसेस काफ़ी सूटेबल है फॉर कास्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज, और हमें अच्छी सरफेस फिनिश और क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस के साथ हमें इसमें मिलता है। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की प्रोसेस समझ में आई है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।